नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन का पालन कराने लगातार हो रही चेकिंग, काटे जा रहे हैं चालान। यूं तो वितरवार में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन कराने में प्रशासन एवं पुलिस काफी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है, जिसके चलते पिछले दो दिन से थाने के सामने SDM KK सिंह गौर, SDOP शैलेंद्र सिंह जादौ स्वयं खड़े होकर दो पहिया वाहनों, चार पहिया वाहनों एवं अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और चालान भी काट रहे हैं। इन चालानों से जो धन प्राप्त राशि हो कि वो रेड क्रॉस को दे दिया जाएगा। इस समस्त कार्यवाही को अंजाम देने में तहसीलदार कुलदीप दुबे, थाना प्रभारी KD सिंह कुशवाहा, CMO सतीश कुमार दुबे, नायब तहसील कमल सिंह कोहली ने पुलिस थाने के अन्य स्टाफ के साथ मिलकर पूरा किया। SDM KK सिंह गौर ने बताया कि दो पहिया वाहन पर एक सवारी एवं चार पहिया वाहन पर दो सवारी आ जा सकते हैं। इसके अलावा मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है, ऐसा करते हुए न पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए नगर परिषद द्वारा पूरे क्षेत्र में लगातार मुनादी भी कराई जा रही है। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में कोई भी कोरोना संक्रमित अथवा कोरोना के लक्षण से ग्रसित नहीं पाया गया है। कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है, वो घर पर ही रहें। अगर बाहर पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। वितरवार संवाददाता राजकुमार श्रीवास्तव के साथ KK शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।